मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। आप पूछिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये रट रही है और न केवल खुद रट रही है, अखबारों के माध्यम से, बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से, ये सपना दिखाया जा रहा है कि ये $1 trillion इकोनॉमी को उत्तर प्रदेश का बना देंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जिन्होंने ये वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, महंगाई तो बढ़ा दी लेकिन आमदनी दुगनी नहीं की, और $1 trillion इकोनॉमी के लिए उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या होगी। और जिस सरकार ने पिछले 5 बजट साल और एक इस साल का बर्बाद कर दिया हो, जो जो घोषणा पत्र में शामिल की गई थी चीजें वो कोई पूरी नहीं कर पाए हैं। इनसे पूछिए, अपना संकल्प पत्र, अपना पुराना घोषणा पत्र अगर उन्होंने देखा हो पलट करके, या उनकी चीजों को पूरा किया हो, तो भरोसा करेगी जनता। ये $1 trillion इकोनॉमी केवल सपना है, झूठ है। और जितने भी MOU किए इन्होंने, कई ऐसे MOU हैं जो ये पाए गए हैं कि फर्जी थे। आपको याद होगा, अमेरिका जाने के बाद वहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी का इन्वेस्टमेंट लाने का उन्होंने MOU किया था, वो यूनिवर्सिटी थी नहीं। और इससे पहले 4 लाख करोड़ का मेला लगाया था, उसके बाद डिफेंस एक्सपो लगाया था। और याद कीजिए, डिफेंस एक्सपो लगाने पर इन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में मिसाइल बनेंगी, बम बनाए जाएंगे। आज 6 साल के बाद पूछना चाहते हैं आखिरकार कहां तक चीजें पहुंची हैं। समाजवादी पार्टी को बहुत चिंता है कि जाति जनगणना हो, और उनसे कहिए कि अपने असिस्टेंट गिरी छोड़ें। ये सवाल मुख्यमंत्री जी का है, सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछा गया है। वो अपने विभाग का बजट तक नहीं बढ़ा सकते। जो मंत्री अपने विभाग का बजट न बढ़वा पाए, बड़े विभाग से छोटा पहुंच जाए, जनता ने जिसको नकार दिया हो, वो क्या जवाब देंगे? और उनकी हैसियत थोड़ी है कि जाति जनगणना करा लेंगे, ये तो मुख्यमंत्री जी करा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी करा सकते हैं, इसलिए उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। कानून व्यवस्था आपने देखा नहीं? सरकार को याद रखना चाहिए कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। ये जो बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं, ये बुलडोजर से जिस तरीके से माँ और बेटी की हत्या हुई है, अगर कोई दोषी है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी है। एक ब्राह्मण परिवार के बेटे को जब वो न्याय मांगने गया, उसको नंगा कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, आज के समय पर कोई न्याय मांगने जाए और पुलिस उसको नंगा कर दे, और मुख्यमंत्री और सरकार पूरी बैठी देख रही हो, जनता पार्टी है। एक ब्राह्मण परिवार के बेटे को जब वो न्याय मांगने गया, उसको नंगा कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, आज के समय पर कोई न्याय मांगने जाए और पुलिस उसको नंगा कर दे, और मुख्यमंत्री और सरकार पूरी बैठी देख रही हो, अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो पाई। और आज तो खबर आई है कि पुलिस एक व्यापारी पे पैसा लूट रही थी। क्या आप कल्पना करेंगे कि माँ बेटी को जला दिया जाए और प्रशासन देख रहा हो? यह है लॉ एंड ऑर्डर। और NCRB के आंकड़े बताते हैं कि सबसे अनसेफ अगर कोई स्टेट महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए है, तो वो उत्तर प्रदेश। ये जो नोएडा में फ्लैट बनाने वाली बात हुई थी कि फ्लैट बना देंगे, कितने फ्लैट बना करके दे दिए। नोएडा के लोग जानते होंगे कितनी आमदनी उनकी बढ़ गई। आमदनी बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई। क्या इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? ये मुख्यमंत्री जी यहाँ खुद आए थे और आश्वासन देके गए थे कि सभी की रजिस्ट्रियां हो जाएंगी, लेकिन अभी भी फ्लैट खाली हैं, न फ्लैट बन पा रहे हैं। ये सरकार न जाने क्या कर रही है। अच्छा है, बाबा रामदेव जी सफर किए, और बाबा जी को हमारा प्रणाम। उन्हें कम से कम समाजवादियों का उन्होंने काम तो देख लिया। ये भारतीय जनता पार्टी क्या बोलने लगे, इसका कोई भरोसा नहीं। कोई बात हम ऐसी बोल देंगे, अभी नेहा राठौड़ ने गाना गाया ना, यूपी में काबा, तो
तो क्या हुआ फिर उसके साथ? एक सोचिए आप, अगर आप भी सच्चाई दिखाने लगोगे तो आपको भी नोटिस मिल जाएगी, ये नोएडा पुलिस उठा के ले जाएगी आपको। ये फर्जी इनकाउंटर हैं और आप देखना बहुत सारे पुलिस के अधिकारी जेल जाएंगे समय आने पर। अखिलेश यादव।